हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। शाम का मौसम है, आज तो मौसम भी अच्छा है। मैं गुड़गांव में रहती हूँ, आपकी व्यूमन की एंडमेंट स्वाति जैन। यहाँ मौसम अच्छा है, बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है, अच्छा लग रहा है। और हम लोग आज आए हैं बातों बातों के अंदर टॉपिक लेके, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग क्या है और प्लानिंग की इम्पोर्टेंस क्यों है हमारी लाइफ में। प्लानिंग की अगर हम बात करें तो प्लानिंग चाहे बिजनेस की हो या पर्सनल हो, हमें प्लानिंग चाहिए होती है आगे बढ़ने के लिए। बच्चा भी जब पैदा होता है, हम उसको बोलते हैं बेटा पढ़ाई कर, पहले उसकी भी लाइफ होती है। पैदा होता है, बोलना चलना सीखता है, बोलना सीखता है, नर्सरी में जा प्री नर्सरी में जाता है तो प्री नर्सरी है, प्राइमरी स्कूल की एजुकेशन लेता है, फिर हाई स्कूल आता है, फिर इंटरमीडिएट जाता है। हम कहते हैं बेटा प्लान कर ले, अब तुझे आगे करना क्या है, तुझे कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है या कौन से स्कूल स्ट्रीम में जाना है। तो ये सारी बातें जो है वो प्लानिंग ही है, और यही प्लानिंग है जो हमें आगे लेके चलती है। तो आज हमारे शो में जो हमारी गेस्ट स्पीकर आएंगी, वो आज प्लानिंग की ही बात करेंगी। मैं आपसे चाहूंगी, आपके में कोई क्वेरी है बिजनेस प्लानिंग को लेकर कुछ है तो प्लीज आप अपनी क्वेरी फेसबुक पे लिख दीजिए, और हम जो हैं जो कमेंट में है उस पर लिखिए। मेरे पास नाम लिखे नहीं आते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो नाम है अपने नाम के साथ अपनी क्वेरी आप डालिएगा, जिससे कि हम भी जान सके कि क्वेरी है वो क्वेरी किसने पूछी है, और हम उस क्वेरी का हम अच्छे से आपको एग्जाम्पल दे सके। तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी, क्वेरी के साथ अपना प्रोफेशन भी आप डालिए और आप उसके साथ ही आप अपनी क्वेरी पूछिए, तो जो हमारी स्पीकर है उनको भी इजी रहेगा आपके बारे में बताना, क्योंकि उनको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आप किस बारे में पूछ रही हैं। अगर आपको मेरी बात ठीक लगती है तो उसके साथ लव और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं ये हमारा प्रोग्राम बहुत लोगों के पास पहुंचे। इसी के साथ मैं हमारी जो स्पीकर है उनका मैं स्वागत करती हूँ। हेलो, हाय, कैन यू हियर मी? या स्मृति, वी कैन हियर यू एंड वी कैन सी यू, वेलकम टू द शो बातों बातों में। सो हेलो सिंस यू आर हेलो, ऑल्सो ए पार्ट ऑफ वी वुमेन कम्युनिटी, तो आपने देखा होगा वी हैव गॉट मोर देन 76,000 वुमेन इन अवर कम्युनिटी। तो हम वंडरफुल, आपको इस कम्युनिटी के अंदर आपका स्वागत है। सो थैंक यू स्मृति, सो हम मच। थोड़ा आपके बारे में जानना चाहेंगे। मैं तो बोलूंगी ही आपके बारे में, बट थोड़ा ये है अगर आप खुद बताएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। सो जितनी भी यहाँ पे वुमेन्स देख रही है, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट यू आर सुपर वुमेन्स, क्योंकि इतने सारे एडजस्टमेंट्स के बाद भी अगर आप सोच रहे हैं कि आपको कुछ तो भी बिल्ड करना है। जॉब करना बहुत आसान होता है मुझे कहीं ना कहीं लगता है, बट कुछ तो भी बिल्ड करना उतना ही मुश्किल होता है। तो इफ यू आर लाइक दैट, आई सल्यूट यू। सो कमिंग बैक टू मैम्स क्वेश्चन, मैं एक बहुत बड़ी ड्रीमर हूँ। मैंने 2016 में अपनी फर्स्ट बुक लिखी जो MS धोनी पे थी। 22 पब्लिशर्स से रिजेक्ट हुई थी मैं। मुझे बोला जा रहा था कि यार क्रिकेट पे लड़की का क्या ओपिनियन रहेगा, बट मैं आपको बता दूं कि ये अभी तक की सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेलर बुक रही है क्रिकेट में। और ये तब होता है जब आप अपने पैशन को बहुत ही डेस्परेटली फॉलो करते हो, एट द सेम टाइम आपको टेक्नोलॉजी भी समझ में आनी चाहिए कि क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं और किस तरीके से ट्रेंड्स जा रहे हैं। सो आई स्टार्टेड माय करियर विद अ क्रिकेट बुक, एंड ऑफ कोर्स आई वाज रिजेक्टेड फॉर अ लॉट ऑफ टाइम, बट ऐसा बोला जाता है कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, तो वहां से आई स्टार्टेड इट एंड That's it. So now I am an author, I am an influencer, and because I am both of them, I could get that exposure to be with a lot of people out there in the country. और उसी के कारण मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ, बिजनेस वुमेन भी हूँ, एंड आई एम रनिंग माई बिजनेसेस एट द सेम टाइम ट्राइंग टू बिल्ड अप समथिंग न्यू जो कि ट्रेंड्स के हिसाब से रहेगा। सो दिस इज माई लॉन्ग और शॉर्ट व्हाटएवर इंट्रोडक्शन यू वांट टू से। ऑसम टूबी, एक तो कहते हैं जो आपने कहा, वी ऑल आर पावर वुमेन, जो हम कहीं आके भूल जाते हैं, हम सब खो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम में वाकई में कितनी पावर्स हैं जो हमें ऊपर वाले ने दी हैं, प्लस दीज आर इनबिल्ट इन अस। और दूसरी बात कहते हैं, जो मैं
आपकी बात सुन के, बट वाई आई टोल्ड यू यू गिव योर इंट्रोडक्शन, क्योंकि मैं तो सिर्फ बुक का नाम बताती, बट द वे यू प्रेजेंटेड योर सेल्फ कि आफ्टर सो मैनी रिडक्शन योर बुक वॉज पब्लिश एंड इज द बेस्ट सेलर. सो ये जो चीज है, मैं अपनी कहते हैं मेम्बर्स को कहना चाहूंगी, दिस इज वॉज योर योर करेज कि आपने हार नहीं मानी. योर परसिस्टेंस वॉज देयर कि मुझे ये बुक छपवानी है. नहीं तो हम जाते हैं, हमें दो तीन पब्लिशर नहीं है, या हम कोई भी काम करते हैं, हमें दो तीन रिजेक्शन मिल जाते हैं, वी स्टार्टेड फीलिंग कि या मेरे में कोई कमी है, मेरे में कोई गलती है. एंड दिस इज इनबिल्ट इन अवर मेंटेलिटी, इन अवर माइंड सेट, क्योंकि हमें ऐसे ही हमें अपने घर से सुनने को मिला है कि गलती हमारे में ही होगी, दैट्स व्हाई यू आर रिजेक्टेड. सो जो सबसे बड़ी बात है जो मैं स्फूर्ति के लिए कहना चाहूंगी कि इनकी पर्सिस्टेंसी कि हाँ मुझे करना है, इनका करेज कि आई एम राइट यू आर रॉन्ग, और इसके लिए बहुत करेज चाहिए होता है, अंदर से भी दिमाग से भी हर चीज में आपकी विल पावर चाहिए. तो इसी के साथ एक क्लैपिंग बजती है स्फूर्ति के लिए, प्लस लव लाइक और शेयर जरूर बनता है. तो स्फूर्ति एक बारी और हम वेलकम करते हैं आपका अपने शो के अंदर. थैंक यू सो मच. चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ. तो जैसे मैं कह रही थी, आपने भी सुना होगा, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लाइफ की हो या बिजनेस की हो. तो हमारा ये एंटरप्रेन्योर ग्रुप है, तो हम बिजनेस के बारे में ज्यादा बात करेंगे. तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि व्हाई इज प्लानिंग इज क्रूशियल इज बिजनेस, स्पेशली इन टूडेज डायनामिक एंड कॉम्पिटिटिव मार्केट. देखिए मुझे ऐसे, मैं कैन आई कीप इट इन हिंदी, मतलब मुझे मजा आता है हिंदी में ज्यादा बात करने को, मेरे को लगता है कि यार हम रिलेट करते हैं उससे. सो ऑल्दो आई यूज इंग्लिश, बट आई वुड लाइक टू गो विद हिंदी एंड इंग्लिश. इज इट ओके विद योर प्लेटफॉर्म मैम? या या इट्स फाइन, इट्स परफेक्टली फाइन, वी विल लव हिंदी. या सो मुझे लगता है कि हम बहुत ही डिस्ट्रैक्शन वाले वर्ल्ड में रहते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने कपड़े का बिजनेस चला रहे हो, या आप अपना ज्वेलरी का बिजनेस चला रहे हो, या आप अपना ब्यूटी पार्लर चला रहे हो, आपने कोई प्लान बनाया और उसके बाद आपको दिख गया कि ओ इंस्टाग्राम पे ये लड़की तो ये कर रही है, फिर आपने वहां से अपना प्लान चेंज कर लिया. तो जो लड़की को आप देख रहे हो वो किसी और को देख रही है, और फिर जिसको वो देख रही है वो किसी और को देख रही है. तो मतलब कि हम एवरी सेकेंड डे पे अपना प्लान चेंज कर देते हैं. ये मुझे लगता है बीइंग अ क्रिएटिव वुमेन, ये उसका एक फ्लिप साइड है कि प्लान्स पे हम टिके नहीं रहते. तो मुझे ये बोलना है कि यू हैव टू मेक अ प्लान एंड मेक इट अ पॉइंट दैट यू स्टिक टू इट फॉर 90 डेज, तभी जाके आप एग्जीक्यूट कर पाओगे और आप दूसरों के लिए एग्जाम्पल्स बन पाओगे. नहीं तो दूसरों से, मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि हम लोगों का एग्जाम्पल क्यों दे, लोग हमारा एग्जाम्पल देना, हम लोगों के लिए टाली क्यों बचाए, लोग हमारे लिए टाली बचाए. तो सिंपल बात यह है कि हमको दूसरों के लिए प्रेरणा बनना है या बनना है, एंड फॉर दैट वील हैव टू स्टिक विद अ प्लान. तो 90 दिन अपने प्लान के साथ स्टिक करिए, ऑटोमेटिकली रिजल्ट बनते हैं. तो आई थिंक प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी बिजनेस. आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन मैम. या आपने बहुत अच्छी बात की स्मृति. एक मुझे, आई एम वेरी बैड इन रिमेम्बरिंग द नेम ऑफ द ऑथर्स, बट एक बुक आती है 21 डेज के अंदर यू कैन चेंज इफ यू डू समथिंग फॉर 21 डेज, इट बिकम्स अ हैबिट. तो अगर हम 90 दिन हम कुछ करेंगे तो नेचुरली वो हमारी हैबिट जो है एक प्लानिंग में बदलेगी, प्लानिंग से वी कैन इम्प्रूव. तो मेरा दूसरा क्वेश्चन, हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए. हाँ सो मेरा कोई दूसरा क्वेश्चन ज्यादा है कि हमें क्या फायदा, लोग पूछते हैं प्लानिंग तो कर ली लेकिन हमें फायदा क्या होता है उससे, क्या और हम कैसे हमने प्लानिंग को मैक्सिमम बेनिफिट में हम कंज्यूम कर सकते हैं. प्लानिंग ही तो है ना सारी, बिकॉज एक लड़की अगर 25 साल की है तो उसको पता है कि उसको 2 साल के बाद शादी ही करनी है, तो उसके बाद उसको पता है कि और 2 साल के बाद उसको बच्चा होगा, उसको पता है कि बच्चे को उसको 3 साल देने हैं, उसके बाद शी कैन रिज्यूम हर वर्क, राइट. अब ये पूरे चक्कर में 5-7 साल निकल गए. अगर आप प्लानिंग नहीं करते हो और आप अपने नॉलेज को अप टू डेट नहीं रखते हो तो यू आर आउट ऑफ मार्केट, एंड इफ यू आर आउट ऑफ मार्केट यू आर आउट ऑफ साइट, एंड इफ यू आर आउट ऑफ साइट यू आर आउट ऑफ बिजनेस. इट इज एज सिंपल एज दैट. सो फॉर अ गर्ल स्पेशली
after she turns 22, 24, and when she is entering into a new phase of her life, when she's getting married or having a kid, or maybe for a fact going and staying with her in-laws, or maybe for a fact that she's staying with her husband and being into a completely different phase of life. Here, if she wants to stick with her business and her identity, she'll have to plan her day very well. She'll have to plan her decisions very well. तो मेरे को लगता है कि बिना planning के और बिना mental clarity के तो आप कहीं पे भी नहीं जा सकते, क्योंकि ये हमको मानना पड़ेगा कि we are living in a competitive world. और ये वो वाला जमाना नहीं है कि आपने एक चाय की दुकान खोली और अब ये 40 साल चलेगी. Boss gone are those days. ये तो माना है ही नहीं कि आपने एक बुक लिख दी और आप 50 साल उस बुक के कारण टिके हो. ये वो जमाना है ही नहीं कि आपका ब्यूटी पार्लर था, अब आपके कस्टमर्स है और लोग आना शुरू है, अब आपका काम हो चुका है. दिस इज द वर्ल्ड ऑफ इनोवेशन. तो यहाँ पे आपको पुराना अपना काम तो रखना ही है चालू, और एट द सेम टाइम आपको टाइम निकालना है इनोवेट करने के लिए. तो इनोवेट करने के लिए सिर्फ इनोवेशन इज नॉट बोलने का इनोवेशन नहीं, आपको एग्जीक्यूशन में लाके उससे प्रॉफिट भी कमाना पड़ेगा. सो फॉर दैट व्हाट यू नीड लॉट ऑफ नॉलेज. फ्रॉम वेयर डू यू गेट नॉलेज? बाय रीडिंग और बाय लिसनिंग टू पीपल. व्हेन यू कैन डू दैट, व्हेन यू कैन सेव एंड कट आउट योर टाइम. एंड हाउ यू विल डू दैट? बाय प्लानिंग. सो द आंसर इज वेरी सिंपल, प्लानिंग इज द मदर ऑफ एवरीथिंग. बहुत अच्छी बात की है. इसी के साथ स्मृति के लिए लव और लाइक ऑफ चेयर बनता है. मैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे आती हूँ. हमने प्लानिंग की बात की है, लेकिन आज की लाइफ में जिस तरह हम बिजनेस की बात करते हैं, जिस तरह से मार्केट कंडीशंस चेंज हो रही है, तो कितनी हेल्पफुल है हमें लॉन्ग टर्म की और शॉर्ट टर्म ऑपरेशनल प्लानिंग? मुझे लगता है लॉन्ग टर्म की प्लानिंग 20-30% बहुत है, क्योंकि लॉन्ग टर्म आप प्लान करोगे, आपका कॉम्पिटिटर आपसे ज्यादा प्लान करके आता है. तो लॉन्ग टर्म का प्लानिंग इज 20% इम्पॉर्टेंट, बट 80% आपकी ऑपरेशनल प्लानिंग इम्पॉर्टेंट है. जो डे टू डे में आप स्विचेस लेते हो, डे टू डे में डिसीजंस लेते हो, तो 80-20 के रूल से चलना चाहिए. वेयर यू आर फोकस्ड ऑन द लॉन्ग टर्म गोल एंड यू आर ऑब्सेसिंग अबाउट इट फॉर 20%, बट 80% ऑफ योर फोकस इज इन द प्रेजेंट एंड यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट इज द बेस्ट सॉल्यूशन राइट इन दिस मोमेंट. सो आई थिंक मुझे लगता है बहुत लॉन्ग टर्म का जमाना अभी रहा ही नहीं है कि आप बोलो कि मुझे ये बिजनेस 20 साल में रिटर्न्स देगा. बिजनेस मैक्सिमम 3 सालों से 10 साल के अंदर ही टर्न अराउंड हो रहे हैं पूरे के पूरे. तो फोकसिंग ऑन डे टू डे ऑपरेशंस इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट्स व्हाट आई फील. थैंक यू स्मृति, और इसके लिए स्मृति के लव लाइक बनता है. स्मृति ने बहुत अच्छी बात कही है. जिस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हमारा कंप्यूटर हमें सिखा देता है कि क्या करना है क्या नहीं करता है, और हमारे पास उसका काउंटर अटैक होना चाहिए, तभी आप निकल पाओगे. अगर सपोज है एक हम लोग एक ही चीज प्रोड्यूस करते हैं. मैं एग्जांपल ले रही हूँ, मेरे आगे नोटबुक लिख रखी है, तो मैं नोटबुक का एग्जांपल लेती हूँ, क्योंकि सामने जो चीज होती है उसी का आता है. अगर किसी ने कोई किसी ने निकाली है नोटबुक निकाली है, आप उसी का ही आपकी मैन्युफैक्चरिंग या बिजनेस करते हो, तो आपको काउंटर अटैक इस तरह करना होगा कि वो किस तरह के ऐड डाल रहे हैं और क्या नया आया है, और आप उस अपने ही क्लाइंट को क्या बेनिफिट दे सकते हो, उससे बेटर बेनिफिट. इनोवेशन अपने आप आएगा, अपने आप ही आपको आगे सोचना पड़ेगा कैसे आप काउंटर अटैक करके बेटर फॉर्म दे सकते हो और बेटर अपना ऑपरेशन आप कर सकते हो. तो प्लानिंग इस टाइम आपको लॉन्ग टर्म की ना लेके आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग लेके चलो कि आपका 3 साल का गोल क्या है, आपको 3 साल में कहाँ पहुंचना है और आपको क्या खर्चा आएगा, कैसे आपको करना है. और कीप इन माइंड अपने कंप्यूटर को ना ये कंप्यूटर समझो, लेकिन एक सिस्टरहुड के साथ सोचो, क्योंकि वो भी आपको कुछ सिखा रही है. ब्रेन उसका भी यूज हो रहा है कि क्या नया लेके आना है, बट आपको उससे एक कदम आगे चलना है. ये ना हो कि आपको पता ही नहीं है टेक्नोलॉजी के टाइम में कि कितना आगे निकल गया है, आप पीछे ही बैठे रह जाओ. तो जैसे श्रुति ने कहा कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी आपको आगे चलना है. स्मृति, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि आपको आपके पास कोई एग्जांपल है, कोई किसी का आप लेके चलना चाहोगे जिसने इम्प्लीमेंट किया हो प्लानिंग प्रोसेस एंड वी कैन सी अ ह्यूज डिफरेंस इन देयर ग्रोथ? सो मुझे कहीं ना कहीं लगता है विनीता सिंह, जो शुगर कॉस्मेटिक्स की सीईओ है, 2 बिजनेसेस उनके फ्लॉप हुए थे, और उन्होंने पहले एक ऑनलाइन
ब्यूटी का एक सब्सक्रिप्शन, ब्यूटी सब्सक्रिप्शन बिजनेस स्टार्ट किया था, वो चला नहीं था इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने आईआईटी आईआईएम करा है। उसके बाद उन्होंने और एक बिजनेस किया था जिसमें उन्होंने कुछ बैग्स सेल कर रहे थे वो ऑनलाइन, वो भी चला नहीं था। एंड आफ्टर दैट शी मैनेज टू प्रोड्यूस एंड मेक शुगर कॉस्मेटिक्स। द पॉइंट इज वेरी ब्यूटिफुल हियर। आई रिमेम्बर 2018 में आई वॉज इन एन इवेंट, टेक टॉक दे रही थी मैं, वहां पे विनीता सिंह जो शुगर कॉस्मेटिक्स की सीईओ है, शी वॉज ऑल्सो देयर एज अ को स्पीकर विथ मी। एंड शी वॉज आई थिंक 4 or 5 months प्रेगनेंट एंड शी ट्रेवल्ड फ्रॉम मुंबई टू what's this place, Pune, for the TED Talk. I mean, imagine that this lady is giving so much importance and managing everything apart from her pregnancy and also her business and her social talks. I mean, I am a big fan of this because I have seen many women saying that because I had a kid, I couldn't do anything. मैंने अभी भी बहुत सारे लोग सुने हैं जो बोलते हैं यार अभी मेरा बच्चा छोटा है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। आप मामा अर्थ की फाउंडर देख लो, शार्क टैंक में आई थी, प्रेग्नेंट थी, फिर भी वहां पे कॉन्फिडेंटली बैठ के उसने पिचेस दी, इन्वेस्ट किया। तो कहीं ना कहीं वो माइंडसेट का फर्क है। अगर आप एक्सक्यूजेस देना चाहोगे तो एक्सक्यूजेस ही मिलेंगे, अगर आप सॉल्यूशंस निकालना चाहोगे तो सॉल्यूशंस दिखेंगे। तो सॉल्यूशन गिवर या सॉल्यूशन डेवलपर बनो रेदर देन एक्सक्यूज प्रोड्यूसर। सो मुझे लगता है कि जो भी ये देख रहा है, सबसे पहले तो यू कैन नॉट बी स्लो, फॉर श्योर, फॉर अ फैक्ट दैट इफ यू आर स्लो यू आर गॉन, यू आर डेड। सेकेंड इज दैट आपको मेंटली बहुत स्टेबल होना पड़ेगा। फॉर दैट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो भी सेल्फ हेल्प बुक्स हो गए या जो भी मेडिटेशन टूल्स हो गए, आपको फॉलो करने ही है। इट इज नॉट अ चॉइस, इट इज अ कंपल्शन इफ यू वॉन्ट टू स्टिक इन टू दिस कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड एंड डिलीवर योर बेस्ट। थर्ड थिंग इज स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस कि इसके वजह से नहीं हो पा रहा है, उसके वजह से नहीं हो पा रहा है। इफ गॉड हैज गिवन यू द प्रॉब्लम, आई थिंक यू हैव द कैपेसिटी टू हैव द सॉल्यूशन। तो मुझे कहीं ना कहीं विनीता सिंह काफी इंस्पायर करती है और मुझे लगता है कि बहुत सारे वुमेन जो उनके एज के हैं, प्लीज फॉलो हर एंड सी व्हाट काइंड ऑफ रिवॉल्यूशन शी इज ब्रिंगिंग। बहुत अच्छा कहा है स्मृति ने, और इसी के साथ लव लाइक शेयर बनता है। और स्मृति जो आप कह रही हो, मैं भी ये नोट करती हूँ कि बहाने लेने हो तो बहाने बहुत हैं। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मेरे घर में ये हो गया है, आज ये हो गया। शायद मुझे ऐसा लगता है हमारा जो माइंडसेट है या हमारा जो डेवलपमेंट है वो इसी रूप में हुआ है कि हम अगर मेल है उसके पास एक्सक्यूज नहीं होते हैं क्योंकि ही इज कमिटेड टू हिज वर्क बिकॉज उसको पता है कि अर्निंग मेंबर मैं हूँ। और हम लोग अपने बिजनेस को थोड़ा लाइटली ले लेते हैं, हमें लगता है कि हम लाइटली बिजनेस को ले लें और कहते हैं कि और जब हम लाइटली लेते हैं अपने बिजनेस को, अपने काम को, चाहे वो आपका, तो आपके बहाने अपने आप हो जाते हैं। हाँ, और मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन यही होगा कि जो आपने बात की थी स्टार्टिंग में, आपने कहा था कि टेक्नोलॉजी है, हमें टेक्नोलॉजी के साथ रहना बहुत जरूरी है, तो क्या रोल प्ले करता है टेक्नोलॉजी आज के टाइम में आपके हिसाब से बिजनेस प्लानिंग के अंदर, और हम कैसे अपने बिजनेस को, इन जो डिजिटल टूल्स हैं उनसे हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, और क्या प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप कहते हो कि हमारी प्लानिंग प्रोसेस में हमें हेल्प करेंगे? मैं बोलती हूँ 100% नहीं, 150% टेक्नोलॉजी का ही रोल है। और आप जब तक टेक्नोलॉजी सीखते रहोगे, यंगस्टर्स आके खत्म कर जाएंगे सब कुछ। तो टेक्नोलॉजी इज मस्ट, मतलब मस्ट मतलब उसके बिना कुछ भी नहीं होने वाला। तो पहली बात है कि जो हम खुद को बोलते हैं कि मुझे टेक्नोलॉजी नहीं आती है, कम ऑन स्टॉप सेइंग दैट। एंड इफ यू आर सेइंग दैट देन डोंट एक्सपेक्ट टू क्रिएट बिग रिजल्ट्स बिकॉज इट इज जस्ट नॉट गोइंग टू हैपन। तो पहली चीज है कि टेक्नोलॉजी का मतलब उसका 100 नहीं 150% उसी का कॉन्ट्रीब्यूशन है, पहली चीज। तो उसको यूज करना सीखिए। कैसे यूज करोगे, अब ये सेकेंड क्वेश्चन है। तो आपको, आप ऐसे नहीं बोल सकते हाँ मुझे डिजिटल में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं समझ में आता, मैं तो अपना ऑफलाइन ही ठीक हूँ, हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा वो क्या हो रहा है। आप उसके अंदर घुसिए, चॉइस नहीं है, कंपल्शन है। क्योंकि जब आपको रिजल्ट्स चाहिए और आप सच में उस लेवल पे खुद को देखना चाहते हो, तो आपको वो करना पड़ेगा जो दुनिया कर रही है। अगर मैं मान के चलो एक एक वीडियो बना रही हूँ, जो वीडियो
या मान के चलो मैं एक इंग्लिश का क्लास ले रही हूँ जो 10 लोगों को मैं पढ़ा रही हूँ एवरी डे, मैं 10 साल भी काम करूंगा तो 10 से 20, 20 से 100 हो जाएगा, बट टेक्नोलॉजी और एल्गोरिदम्स के हेल्प से 10 से 100, 100 से 1,000, 1,000 से 1,00,000, 1,00,000 से 10,00,000, 10,00,000 से 1 करोड़, 1 करोड़ से 10 करोड़, 100, 10 करोड़ से 100 करोड़ होने में कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। तो ये है पावर टेक्नोलॉजी का, जिसमें आप मल्टीपल फोल्ड्स में बहुत आगे जा सकते हो। तो पॉइंट इतना सिंपल है कि टेक्नोलॉजी को आप मिस आउट नहीं कर सकते। आपको दिन में 2-3 घंटे अपने आप को सुधारने में देने पड़ेंगे। पॉडकास्ट लगाओ, किचन में बैठे हो, किचन में चपाती बना रहे हो, यूट्यूब पे आजकल पॉडकास्टिंग ऑप्शन आ चुका है, तो आप अगर यूट्यूब वीडियो देखते देखते आपने फोन बंद भी कर दिया अपना या कुछ और भी करने लग गए तो भी वो ऑडियो सुनाई देता है। दैट्स अ ब्यूटीफुल फीचर। गेट योर सेल्फ दी हेडफोन्स, जो आप कहीं पे भी कहीं पे भी मूव आउट करके आराम से यूज कर सकते हो। सुनते रहो पॉडकास्ट, देखते रहो लोगों को, देखते रहो नए सॉफ्टवेयर, एंड दैट इज हाउ यू कैन ग्रो। अदरवाइज देयर इज नो चांस कि आप कोप अप कर पाओगे, बिकॉज इट इज चेंजिंग एवरी 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 8 मंथ्स। तो ये सोचना ही नहीं है कि मैं करूं या नहीं करूं, वो करना ही है। इट इज एज सिंपल एज दैट। थैंक यू श्रुति, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ लव और लाइक बनता है श्रुति के लिए। तो श्रुति से आज हमने क्या सीखा? हमने बहुत सीखा। हमने सीखा कि हमें लाइफ में हार नहीं माननी चाहिए, जो हम कर रहे हैं करेज के साथ करना चाहिए, हमें परसिस्टेंट रहना चाहिए, हमें अपने पर बिलीव होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं ठीक है। दूसरे ने रिजेक्ट कर दिया तो कोई बात नहीं, हमें पता है कि हम ठीक हैं, कोई ना कोई मिलेगा जो हमारे ठीक को ठीक कहेगा। सेकेंडली, जो प्लानिंग की बात की थी हमने, प्लानिंग बहुत जरूरी है। आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग ना करके आप शॉर्ट टर्म की प्लानिंग कीजिए और देखिए कि टेक्नोलॉजी के साथ आप कैसे घोलमेल खा सकते हैं। आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो फ्री में अवेलेबल है, आपको सो देखना पड़ेगा कि कौन सा आपके लिए ऐप ठीक है, कौन सा आपके लिए मीडियम ठीक है, बट वो आपको एकदम जो है हाइट्स पे पहुंचा सकता है। बट ठीक प्लेटफॉर्म आपको चुनना पड़ेगा और आपको ही काम करना पड़ेगा। तो जो स्मृति जी ने कहा उसी के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ और कहती हूँ कि आपको अपने आप को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि आपने जो सोचा है कि मुझे नहीं आता है और उससे काम चल जाएगा। या तो आप अपने लिए हायर कीजिए लोग, अगर आपको लगता है आपका बिजनेस अभी बहुत कम है, बहुत स्लो है, आप हायरिंग नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज आप जो है अपने आप को अपने ऊपर सेल्फ इन्वेस्ट कीजिए। सेल्फ इन्वेस्ट आप कर सकते हैं, आप जाइए कहीं से सीखिए, या फिर जैसे श्रुति जी ने कहा कि यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहां के थ्रू आप सीख सकते हैं। और आपको, लेकिन आपको अपनी टेक्नोलॉजी को आपको एडवांस करना पड़ेगा। आपको अपनी लर्निंग को कभी आप स्टॉप नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं बोल सकते मैं इतने साल का हो गया अब मुझे नहीं सीखना। तो भैया अपना बिजनेस भी आप वहीं पे बंद कर दीजिए, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आज के टाइम में हमें ये नहीं कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी नहीं आती तो हम ग्रो नहीं कर सकते। आपको सीखना पड़ेगा, एंड दिस इज द टाइम वी हैव टू चेंज अवर सेल्फ। तो सुधी, जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका कोई मैसेज है जो आप सबको देना चाहेंगी। मुझे लगता है कि देखो, हर इंसान राजा नहीं बन सकता, और अगर सब राजा बन गए तो प्रजा कहाँ जाएगी। अपनी कॉलिंग है। किसी को लगता है कि मुझे करना है तो करना चाहिए, किसी को लगता है कि नहीं मुझे ब्रेक लेना चाहिए, मुझे अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए, तो वो आप कर सकते हो। किसी को लगता है कि नहीं मुझे सिर्फ घूमना है, मुझे इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं करना है, वो भी आपकी चॉइस है। जो भी आप डिसीजन लो, उस डिसीजन को सक्सेसफुल एंड तक लेके जाने की क्षमता रखो, नहीं तो डिसीजन मत लो। बिकॉज लाइफ में पैसे कमाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुश रहना। हाँ, मुझे पैसे कमाने से खुशी मिलती है तो मैं करूंगी, शायद आपको नहीं मिलती है तो आप नहीं करोगे, और किसी को शायद थोड़े पैसे कमा के मिलती है तो वो वैसे करेगा। तो डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन कि इसने ऐसा कर लिया तो मुझे भी करना है। ओनली डू थिंग्स वेन यू फील लाइक डूइंग इट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर मेंटल स्टेटस दैट इज गोइंग टू डिफाइन एवरी थिंग इन योर लाइफ। तो डिसाइड अगर कर ही लिया बिजनेस करना है तो फिर पूरा 200% दीजिए अपना, 50% दे के मत करिए। और अगर 50% ही दे पा रहे हो तो फिर एक थोड़ा सा ब्रेक लेके खुद को सीखिए, और कब तब कम बैक करिए जब आप फिर से 200% के साथ रेडी हो। क्योंकि दिस इज नॉट द ट्रेंड कि आप अपना 50-50% दे के बहुत आगे चले जाओगे। या तो 200% दो
या तो मत दो, इतना सिंपल बात है यहाँ पे. तो आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट वेयर एवर यू आर एंड वॉट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ, जस्ट बी हैप्पी विद वॉट यू आर डूइंग. ट्राई फॉर न्यू थिंग्स इफ यू वॉन्ट टू लर्न न्यू थिंग्स. बी हैप्पी एंड ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ एंड ऑलवेज बिलीव इन द पावर ऑफ गॉड बिकॉज ही इज एवरीवेयर. That's it. Thank you so much. Thank you so much. And I hope you have an amazing time together. Yeah. Thank you so much. So, अभी आपने स्तुति को सुना और आपने देखा और उन्होंने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा है. हमें वो करना चाहिए जिसमें हमें खुशी मिले. हमें किसी से हमें मतलब नहीं है कि हमारा नेबर क्या कर रहा है, मेरी फ्रेंड क्या कर रही है. हमें अपनी खुशी देखनी है, अपनी खुशी के हिसाब से हमने अपना प्लान करना है कि हमें लाइफ में करना क्या है, चाहे वो बिजनेस प्लानिंग है या आपकी पर्सनल प्लानिंग है. तो प्लानिंग आपको अपनी लाइफ की खुद करनी है, आपके हाथों में अपनी प्लानिंग है. और यही हमारा आज का सेशन था कि बिजनेस प्लानिंग कैसे करनी है. और स्मृति ने इतना अच्छा बताया है कि आपको प्लान करना है तो आप टेक्नोलॉजी को भी अपने साथ रखिए. बिना टेक्नोलॉजी के आप कोई प्लान नहीं कर सकते हैं. तो ये वक्त हो गया है हमारा ये सेशन ख़त्म करने का. शॉर्ट एंड क्रिस्प सेशन था हमारा. अब हम आएंगे अगले हफ्ते. हम कोशिश कर रहे हैं बिहाइंड द सीन हम किसी एंटरप्रेन्योर को लेके आए दिल्ली एनसीआर से और उनकी स्टोरी कवर करें कि वो आज वहाँ तक कैसे पहुँची है. अगर आप चाहते हैं आपके पास कोई बिहाइंड द सीन स्टोरी है या आप चाहते हैं किसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करना रिलेटेड टू वुमेन एंटरप्रेन्योर, तो कि हमारा ये सीरियल जो है बातों बातों में हम लोग यहाँ पे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं. आपको लगता है कोई चैप्टर है ऐसा जो आप यहाँ टॉपिक है कवर करना चाहती हैं तो आप मुझे वसुधा या कविता से कनेक्ट कर सकती हैं. एंड थैंक यू फॉर बींग देयर विद अस. थैंक यू सो मच.